और सम्मेलन में शामिल होना है और जेंट्स ले ज्यादा महिला के चलना है। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। आज हैं हम डॉक्टर संतोष कुमार जी के आवास में जो कि बुद्धा पैलेस के नाम से जाना जाता है, और आज यहां पर अंबेडकर चेतना परिषद जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि तमाम मानवतावादी तथागत गौतम बुद्ध से लेके बाबा साहब से लेके मान्यवर काशीराम तक का तमाम जो मानवतावादी महापुरुष है उनके विचारधाराओं को लगातार प्रयास कर रही है और जन जन तक पहुंचाने का जो है कि एक बीड़ा उठाया है। तो उस संगठन के 15वें वार्षिक सम्मेलन पर यहाँ पर चर्चा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था जो कि अब संपन्न हो गया है। इस बैठक में मानवतावादी महापुरुषों का संदेश कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए, कैसे शिक्षण संस्थान के माध्यम से वैसे बच्चे जो स्कूल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, अच्छे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको कैसे शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, इन तमाम सारी बातों पर अंधविश्वास को कैसे समाप्त किया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर लोग उपस्थित हैं जिनको कि आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं अंबेडकर चेतना परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष मान्यवर केंद्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर धनपत सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अंबेडकर चेतना परिषद कब स्थापित हुआ और इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मनीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आपने पूछा अंबेडकर चेतना परिषद कब स्थापना हुआ और क्यों हुआ। नहीं देखिए, अंबेडकर चेतना परिषद यानी जो हमारे देश के संविधान के जनक हैं V.R. अंबेडकर, उनके मिशन को, उनके बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों में विचार, उनके विचार को फैलाने के लिए इस परिषद का स्थापना हुआ। और आज तक जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं वे सभी बाबा साहेब के विचारों पर आधारित ही किए जा रहे हैं, लोगों में जागृति लाया जा रहा है और लोग इससे जग भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह से बाबा साहेब के सपने को साकार करने का, उनके जो विचार अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए यह चेतना परिषद जो है काफ़ी क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और आज वार्षिक सम्मेलन किस तरीके से मनाया जाए उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए ये बैठक आयोजित हुआ था, तो इसके संबंध में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जी, जो 15वां वार्षिक अधिवेशन मनाना है जिसका स्थान सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार कांडी में रखा गया है, तो हम लोगों से ये अपील करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के लोग आर्थिक सहयोग भी करें और काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो तिथि निर्धारित हो उस तिथि में पहुँचने का काम करें और उनके विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए वहाँ जो महापुरुष पहुँचे, जिनके विचार वहाँ रखे जाएं, उसको हम लोग सुने, समझें और उसे अपने में उतारने का काम करें। साथियों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इस बैठक में 1 जनवरी जो कि शौर्य दिवस के रूप में जाना जाता है मूल निवासी समाज के लिए, और साथ ही साथ भारत की प्रथम शिक्षिका मान्य सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती पर भी चर्चा। हमारे सामने मौजूद हैं इस क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सक, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जनजय सर दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, दिल्ली एम्स में। सर, हम आपसे सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे समय, आप अपना कीमती समय दिए हैं। सर, इस विषय पर आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे जो आपका वार्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, 15वां वार्षिक सम्मेलन, इस पर सर आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? जहाँ तक बात है इस संगठन का, वार्षिक सम्मेलन का, सर ने जैसा आपको बताया, केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय धनपत सर ने आपको बताया कि ये जो है अंबेडकर चेतना परिषद का वार्षिक सम्मेलन है, तो अंबेडकर चेतना परिषद का उद्देश्य ही है एक ऐसे भारत निर्माण के लोगों को जागृत करना जो प्रबुद्ध भारत हो, जो एक ऐसा भारत हो जिसमें समानता हो, बंधुता हो, न्याय हो सबको। तो ये जो संगठन है ये 14 वर्षों की यात्रा तय करता हुआ, लोगों को जागृत करता हुआ, लोगों के बीच में जागृति पैदा करता हुआ, ये यहाँ तक बढ़ता हुआ इस बार 15वें साल में पहुँच गया है। तो मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप तन मन धन
सब ढंग से आप इस आयोजन को ऐतिहासिक अद्वितीय बनाने में आप सब उसमें उससे जुड़े और आप सबक लें कि किस प्रकार से अम्बेडकर के सपने पूरे होंगे, किस प्रकार से उनके संघर्षों को सलाम हम कर पाएंगे। तो उनको सलामी के तौर पर ही, उनको विचारों को स्थापित करने के तौर पर ही और बाबा साहेब के सपने के तौर पर प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए ही लोग जुड़े तन मन धन से और ऐसे आयोजनों को बहुत विस्तार दें, बृहद बनाएं, ताकि नए लोग भी जुड़े और सच में जो हमारा सबका हम सबका जो सपना है प्रबुद्ध भारत बनाने का, एक ऐसा भारत बनाने का जहाँ समता हो, समानता हो, सबको न्याय मिले और एक बंधुत्व भाव हो, ऐसा भारत हम लोग बना पाए, तो ऐसे आयोजन के लिए सब लोग आगे आना चाहिए तन मन धन से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब लोग आज से ही संकल्पित हो जाएं कि इसको एक बहुत विस्तृत, बृहद और एक सार्थक आयोजन बनाने के लिए हम सब कदम बढ़ाएं। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और अम्बेडकर चेतना परिषद के अनुमंडलीय अध्यक्ष माननीय विजय बौद्ध सर हैं। सर, इस सम्मेलन में आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? आगामी फरवरी में अम्बेडकर चेतना परिषद जो है, जो बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो ये संगठन बनी है, तो मैं हुसैनाबाद समेत पूरे पलामू वासियों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक जो फरवरी में जो समय निर्धारित होगा वार्षिक सम्मेलन का, तो उसमें अधिक से अधिक अपने सह परिवार समेत आएँ और भारतीय संविधान के सम्मान करते हुए बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर ले। इसलिए सभी को हम आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं, आने का आग्रह करते हैं। नमो बुद्धाय। जय। हमारे साथ अम्बेडकर चेतना परिषद के अनुमंडलीय सचिव हैं माननीय डॉक्टर बी के रंजन सर। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस सम्मेलन के संबंध में आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले मनीष जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहना है कि हमारा समाज जो अभी जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, बस उस आयोजन जो हम लोग का है, शौर्य दिवस हुआ, माता सावित्री बाई फुले जन्म जयंती है 3 जनवरी को, और हम लोग का अम्बेडकर चेतना परिषद का वार्षिक सम्मेलन हम लोग जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, बस उद्देश्य इसका है कि हम लोग को समाज के बीच सच्चाई से अवगत कराना। बड़े बड़े विद्वान हमारे इस आयोजन में आते हैं, जैसे BHU हुआ, जैसे संस्थान हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राजरत्न अशोक अम्बेडकर जी हैं जो बाबा साहब के परपौत्र हैं, इन सभी विद्वानों, वैज्ञानिक लोग भी आते हैं और सबको बुला करके एक सच्चाई से अवगत कराना है। तो इसमें ज़्यादा न कहते हुए मैं यही अपील करूँगा सभी से कि इस आयोजन में अधिक से अधिक शामिल होकर के अपनी छुपी हुई इतिहास, जो हमको स्कूल में टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, इसको समझें और सच्चाई से अवगत हों। इसके बाद मैं अपनी बात को यही नव बुद्धाय। जय हिंद। हमारे साथ ACP के केंद्रीय अध्यक्ष मान्यवर, केंद्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर धनपत रजक सर की जीवन संगनी है फुलेश्वरी बौद्ध, हम उनसे भी बात करेंगे। साथियों, हम बताते चले कि इस देश में महिलाओं के मुक्तिदाता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उनके नाम पर आधारित ये संस्थान है। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं फुलेश्वरी बौद्ध जी, जो कि अम्बेडकर चेतना परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय धनपत सर की जीवन संगनी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मिलन अभी होने वाला है, इससे पहले भी आप कई सारे कार्यक्रमों में गई हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस सम्मेलन में आप लोगों से या खास करके महिलाओं से क्या उम्मीद रखती हैं और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बाबू। यही चाहेंगे कि बाबा साहेब के रास्ते पर सब लेडीज के चलना है और सम्मेलन में शामिल होना है और जेंट्स ले ज़्यादा महिला के चलना है और बाबा साहेब का रास्ता छोड़ना नहीं है, ले के चलना है, सपना के पूरा करना है। महिला ज़्यादा हम लोग आगे चलेंगे, एकर बाद जेंट्स चलेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ हैं प्रीति क्लिनिक के संचालक डॉक्टर कौशल्या रानी जी। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत कार्यक्रम पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? पर महिलाओं को हम यही कहना चाहते हैं कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और सभी महिलाओं से विनती है कि वहाँ गांधी में पहुँचे और भारी से भारी भीड़ लगाएं और महिलाओं को चाहिए कि आज हमारे जो बाबा साहेब हैं उन्हीं के वजह से हम आगे बढ़े हैं। महिलाओं को जो भी शिक्षा मिली है तो बाबा साहेब की वजह से है, इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि हम आगे चलें। साथियों, जैसा कि आपने देखा अभी मैम ने महिलाओं से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल हो। साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैम ने सभी महिलाओं से और लोगों से यह अपील किया है कि कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए, जो सरकारी जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके अनुरूप ही अपनी तैयारी के साथ जो है कि इस कार्यक्रम में सब परिवार जो है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन्होंने लोगों से अपील किया। आमजन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 News के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत